Hello everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. In this video, we will discuss a few questions from contemporary Indian education, very important part for both your paper 1 and paper 2 education syllabus. So, chaliye session ko start karte hain. First question, the first stage of compulsory education is, compulsory education kaun se article ke तहत milega, kaun se year mein start hua tha? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपलसरी एजुकेशन. नाउ कंपलसरी एजुकेशन बताया गया है 6 to 14 ईयर ओल्ड के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देनी होगी. कैसे एजुकेशन? कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन. ठीक है, एलिमेंटरी एजुकेशन जो कि 6 to 14 ईयर ओल्ड के बच्चों को मिलेगा. अच्छा, एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन सी क्लासेस आती है? क्लास 1 to क्लास 8 को एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स द क्लासेस फ्रॉम, चलो क्वेश्चन आ ही गया, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स द क्लासेस फ्रॉम व्हाट? KG to क्लास 4, क्लास 1 to 4, क्लास 1 to 8, क्लास 1 to 12. नाउ इसको, इसके आंसर में तो चलेंगे हम लोग, बट इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग NEP 2020 को, कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को क्या, किस हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है. सो 1964-66 के कोठारी एजुकेशन कमीशन से एक हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, दैट इज़ 10+2+3. ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम हमारा कोठारी एजुकेशन कमीशन से चलता हुआ आ रहा है, और अभी NEP 2020 द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में इसको चेंज करके स्कूल एजुकेशन को 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे 5 साल का फाउंडेशन स्टेज लाया गया है, और उसके बाद आपका मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी स्टेज. ठीक है, इस तरीके से एजुकेशन, पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा स्कूल एजुकेशन है. ठीक है, ये पूरा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना. और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स द क्लासेज ऑफ 1 to 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज लेड डाउन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 42. क्या होगा सही आंसर? देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ये हमारी एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है हमारी. हमारी टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो अराउंड 6 हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. उनमें से राइट टू एजुकेशन RTE एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है, RTE फंडामेंटल राइट ये किसके तहत है? ये आया है आर्टिकल 21A के तहत. ठीक है, कब आया है ये? ये आया है आपका 86th अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2002 में. ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत RTE आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बनाया दिया गया, और आर्टिकल 45 को DPSP के अंडर लाया गया. DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी. ठीक है, तो ये चीज़ चेंज करी गई है. अच्छा, कौन सा एक्ट था? 2009 का. एंड कब इनैक्ट हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये RTE इनैक्ट हुआ है. ठीक है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों डेट्स, 2002, 2009 एंड 2010. आर्टिकल 21A क्या है? एक राइट टू एजुकेशन है. ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है, बट आर्टिकल 45 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SSA इज अ प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो SSA है क्या? सर्व शिक्षा अभियान जो अराउंड 2001 में आया था, किसकी सरकार थी, किसके गवर्नमेंट के अंदर आया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के अंदर आया था. ठीक है, तो SSA किसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था UEE, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन से क्लासेस आते हैं? क्लासेस 1 to 8 आते हैं. कौन सी एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं? तो 6 to 14 ईयर ओल्ड के बच्चे पढ़ते हैं. ठीक है, थीके? ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SSA इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर SSA को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करना है, हर एक बच्चे तक पहुँचाना है,
तो हमें किसके बीच में पार्टनरशिप करनी होगी? तो ये देखो, जितना भी सेंट्रल स्कीम हो, चाहे जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई हो, बट जब तक हम इसको बिल्कुल ही लोकल तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगी, करेक्ट? तो इसीलिए SSA इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो NCERT है, ठीक है? तो आप मुझे बताना NCERT कौन से साल में आई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एम ऑफ डाइट क्या होता है? डाइट क्या होता है? मेन एम ट्रेनिंग होती है इसका. टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, तो सिंपल बात है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यस, UEE मीन्स वॉट? UEE का मतलब क्या होता है? नो ट्यूशन फीस, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरीज, फ्री मिड डे मील, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट यानी कि क्या करने की कोशिश कर रही है? किसी भी तरीके की जो फिजिकल बैरियर्स है, किसी भी तरीके की जो बैरियर्स है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है. तो चाहे ट्यूशन फी, सपोज़ कोई एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे एक पढ़ना लिखने वाला एज का बच्चा तो है, बट उनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाए, एडमिशन करवाए एंड ट्यूशन फीस पे करे. तो नो ट्यूशन फी, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, एंड फ्री मिड डे मील, ठीक है, ताकि बच्चों को पौष्टिक खाना भी मिले. इस चीज़ का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा. तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी करेक्ट आंसर हियर, ठीक है? किसी भी तरीके की बैरियर को रिमूव करना UEE का काम होगा. ये सारी बैरियर्स, यानी कि इकोनॉमिक बैरियर्स को, देन यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्सेज बैरियर्स को, देन यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनको एक न्यूट्रिशनल फूड भी मिले, ठीक है? सो दिस कम्स अंडर UEE. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज सिलेबाई एंड टेक्सचुअल मटेरियल्स फॉर ग्रेड्स 1 to 5 इज द परव्यू ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट वाइज सिलेबाइज गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें कौन प्रिपेयर करेगा? टेक्सचुअल मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है? ऑब्वियसली NCERT करता है, NCERT के नाम में ही है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट? तो ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट बुक भी बनाएगा, एग्जाम्स भी कंडक्ट करेगा, ये प्री आपकी इन सर्विस एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा. ये सारी चीज़ें NCERT का काम बनता है, ओके, नेशनल लेवल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA एनफिसाइजेस अ स्कूल और ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी विद इन डैश ऑफ एवरी हैबिटेशन. तो अगर बच्चा, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बात कही गई है कि सपोज एक चाइल्ड अगर स्कूल तक नहीं पहुँच सकता, तो स्कूल उस बच्चे तक पहुँच पाए, राइट? तो इसीलिए विद इन 1 किलोमीटर में ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, ये SSA का मानना है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टारगेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? नेशनल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का टारगेट किस चीज़ पे आधार होती है? तो तीन चीज़ों पे होती है. फर्स्ट इज एक्सेस, यानी कि एजुकेशन सबको एक्सेसिबल हो. रिटेंशन, यानी कि बच्चा जो है वो मिनिमम एजुकेशनल लेवल अपनी फुलफिल करके जाए, ड्रॉप आउट ना हो. और अटेनमेंट, यानी कि कंप्लीट हो पाए. सो एक्सेस, रिटेंशन एंड अटेनमेंट, ये तीन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश कमीशन एलिमेंट्री एजुकेशन शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल सिटीजन. ये बात किस कमीशन ने कही है? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात किसने कही है? तो देखो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल हटा सकते हैं. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड राधा कृष्ण कमीशन दोनों सेम है, राइट? दोनों ही सेम है हमारे. हंटर कमीशन तो प्लीज इंडिपेंडेंट वाला है, ठीक है? यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम है जिसने हर एक एजुकेशन लेवल पे बात करी है, वो हमारी कोठारी एजुकेशन कमीशन ही है. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन दैट इज NEEM, दिस वॉज सेटअप इन विच ईयर? ऑगस्ट ऑफ विच ईयर? नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं. जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अब्रीविएशंस वगैरह होंगे ना, उसको थोड़ा ध्यान से देख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आप NTA काफ़ी बनाने लगा है, ओके? सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इट इज़ 1995, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ था? तो दिस वॉज इस्टेब्लिश इन 1961. आप मुझे बताएंगे कि NCERT के हेड ऑफिस किधर है, NCERT हेडक्वार्टर किधर है. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, NCERT के हेड कौन है, यानी कि चेयरमैन होगा या डायरेक्टर होगा, प्रेजेंट हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देख के जाना है, NCERT का किधर है, नीपा का किधर है, देन आपका NAC का किधर है, ये सारी चीज़ें थोड़ी देख के जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ NPEGEL. तो अब्रीविएशन से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं और मेजरली वुमेन एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से एक क्वेश्चन तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, आना ही आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड बन चुका है इस क्वेश्चन का. ओके, सो फुल फॉर्म ऑफ NPEGEL, सो NPEGEL स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है. ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, दैट इज वॉट NPEGEL स्टैंड्स फॉर. ऑल राइट, ये एजुकेशनल नहीं होगा, ये एजुकेशन होगा, ठीक है, एजुकेशन एट ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल. ऑल राइट, अच्छा ये किसके अंडर आता है ये भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर डिस्कस कर रहे हैं तो. ये दिस कम्स अंडर SSA ओनली, ओके, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ही आता है, फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल कॉम्पोनेंट फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट द एलिमेंट्री लेवल. तो यहाँ पे एलिमेंट्री लेवल में SSA के अंतर्गत बच्चों को, गर्ल चाइल्ड बच्चों को किस तरीके से बेनिफिट्स मिल सकती है, एडिशनल कॉम्पोनेंट्स क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ है. अच्छा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले तो आप समझ ही रहे हो, अगर गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है तो जेंडर का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. सो जेंडर गैप को रिड्यूस करना एजुकेशन सेक्टर में, देन ग्रेटर पार्टिसिपेशन करवाना बच्चों से, मतलब गर्ल चाइल्ड से, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. क्वालिटी को, एजुकेशन को यहाँ पे इम्प्रूव करना, एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. ये सारे कुछ पॉइंट्स जो है वो NPEGEL के ऑब्जेक्टिव्स आपके मेजरली बनते हैं. ऑल राइट, चलो तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आज के. होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे और भी करेंगे. इन केस यू हैव एनी रिक्वेस्ट और स्पेशल रिक्वेस्ट की कुछ टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो. आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू सम यूनिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू सॉल्व. आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द. इसके अलावा ये जो PDF है वो आपको पेडागॉग लर्निंग ऐप में मिल जाएगा. पेडागॉग लर्निंग ऐप एक फ्री लर्निंग ऐप है जहाँ पे आपको जितने भी आपके PYQs क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 से लेके 2023 तक सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर के आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हो फॉर बोथ Paper 1 एंड Paper 2. उसमें मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो ताकि आप उसको सॉल्व करके बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज कर सको अच्छे तरीके से. इसके अलावा मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही है फॉर June 2024 बैच. मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए यही होगा, क्योंकि जितना टाइम अभी बचा है, ऑलमोस्ट यू हैव अराउंड, दिस इज़ मे राइट, तो अराउंड आपके पास अभी 45-46 डेज ही बचे हैं, तो इतने दिन के लिए आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए, जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से रिवाइज़ करो. PYQs बहुत थरली आप सॉल्व करो, कोई लिमिट मत रखो कि एक बार सॉल्व कर लिया, दो बार सॉल्व कर लिया, जब तक आपको नहीं लगता है कि यस मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई है, मुझे आ जाएगा इतना पोर्शन, यहाँ से जो क्वेश्चन आ जाएगा आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइए. और रिलेवेंट जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स यू कैन गेट, वो सारी चीज़ें भी आप सॉल्व कर सकते हो. वैसे जितने भी आपके स्लेट के एग्जाम्स भी रिसेंटली हुए हैं, सेट के एग्जाम्स तो आसाम सेट हो गया, महाराष्ट्र सेट हो गया, वेस्ट बंगाल सेट हो गया, उसके पेपर्स भी आपको पेडागॉग लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा. सो डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट पेडागॉग लर्निंग ऐप एज वेल. ये सारी मटेरियल आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएगी वैसे. और बस ये PDF आपको Paper 2, जो अभ्यास Paper 2 बैच है, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल, होपफुली यू लाइक द क्वेश्चंस इन द सेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी रिक्वेस्ट, देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.